परीक्षा जूनियर की स्पेशल सीरीज, जहां पे अब की बार एक सीट हमार की सीरीज प्रति रात 9:30 बजे ईरानी में दुर्गेश पर, मैं दुर्गेश निशुल्क देशी में राष्ट्रीय में आपके लेकर आता हूं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये सीरीज तब तक पढ़ेगा जब तक आपकी नियुक्ति ना हो जाए, क्योंकि अगर आप इस सीरीज को पढ़ने के बाद बाजार की कोई भी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, आपको इस बात का भरोसा होगा कि दुर्गेश सर जो आपको पढ़ाते हैं उससे बाहर आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मानकर पढ़िएगा। क्योंकि होना न होना ऊपर वाले के हाथ में, अगर अभी से न पढ़ना ये तो गलत बात है। कहीं भी रहिएगा, सोते बैठते जागते उठते, लेकिन 9:30 बजे की क्लास जीएस फर्स्ट पेपर जो जूनियर प्राइमरी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, कभी जीवन में मत छोड़िएगा। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है और इसी से हम अपनी शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 50 प्रश्न आपके होंगे जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके होंगे। जी हाँ, और आप ये देखिएगा कि अभी तक आपने कितने में कितना सही किया। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी हो, जी हाँ हाँ डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका किसकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है, बिना देरी किए कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। या फेसबुक और यूट्यूब पर आपके लिए निःशुल्क लाइव चलता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बताइए जल्दी से कमेंट करके। जी इस प्रश्न का उत्तर होगा डिप्थीरिया, कुक्कुर खांसी, टिटनेस। मान इस प्रश्न का उत्तर सी राइट आंसर होता है। डीपीटी जो है वैक्सीन दिया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होगा। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर एकदम साफ दिख रहा होगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए एक और स्पेशल क्लास लेकर हम आ रहे हैं। जी हाँ, चलिए उसको भी आगे हम लोग देखते हैं। पहले नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पे है, इस प्रश्न का उत्तर होगा नई दिल्ली में। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल्दी कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रश्न नंबर 3 का जवाब क्या होगा, उत्क्रमण परासरण। जी हाँ, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया उत्क्रमण परासरण कहते हैं। अगला सवाल, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है, प्रश्न नंबर 4 का जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सभी साथी। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्रश्न नंबर 4 का, यूरिक अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल, यूरिक अम्ल कहते हैं। जी हाँ, गठिया जो रोग होता है ये शरीर में जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा मूत्र अधिक बनने से सामान्य स्तर होता है वो क्या होता है, भंग होता है, तो यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों में जमा हो जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। सामान्य विज्ञान भी आपके सिलेबस में है। यार आप लोग सबसे पहला काम वीडियो को लाइक का बटन दबाने के बाद ना अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। यकीन मानिए वो आपको आशीर्वाद दे या ना दे, उनके माँ बाप आपको जरूर आशीर्वाद देंगे जब वो सफल होकर आएंगे, जब वो सेलेक्ट होकर आएंगे। हाँ, परीक्षा वाले प्रश्न हैं ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शायद आपको दिख रहा होगा कि एक मकान में दो बल्ब में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है, इन दोनों में से किस बल में उच्चतर अवरोधक है, जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप वीडियो को शेयर करिए, इसलिए नहीं मेरी वजह से, बस उनके लिए करिए जिनके माँ बाप को उम्मीदें, उनकी नौकरी उनका सिलेक्शन है। जवाब जरूर दीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्रश्न नंबर 5, मंद रोशनी वाले बल्ब में। ध्यान देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर कैसे होगा, जिस बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा वह बल्ब कम रोशनी देगा, अतः मंद रोशनी वाले बल्ब में उच्चतर और रोधक है। रट लीजिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं
तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत किसी को? ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश क्यों प्रयुक्त होता है? जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी साथी जवाब दीजिएगा, क्यों लाल प्रकाश का प्रयोग करते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और सभी साथी जवाब जरूर दीजिएगा, सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य की लंबाई सर्वाधिक होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए होगा, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह दूर से ही अस्पष्ट दिखाई देता है। मेरे प्यारे साथियों, यह दूर से क्या होता है? अस्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह ए राइट आंसर होगा। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो जल्दी से कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 7 है। सभी साथी यार शेयर करिए, पैसे नहीं लेंगे ना, मुझे पैसे मिल जाएंगे, लोगों तक पहुंचेगा। बताइए, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा, सभी साथी। जी हाँ, यह होगा गुर्दे पर। यह क्या होगा? गुर्दे पर होगा। लंबे समय तक उपवास करने सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ता है? गुर्दे पर पड़ता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह डी राइट आंसर होगा। डी प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला, किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से कॉमेंट करके सभी साथी इस प्रश्न का जवाब देंगे, जल्दी जल्दी कॉमेंट करिएगा। ये लाइव क्लास चल रही है आपके लिए, चलिए ध्यान से देखिएगा। 8वें का जवाब यहाँ पर क्या होगा? रेडियो तरंगों का। जी हाँ, यहाँ पर उत्तर होगा रेडियो तरंगों का। माने टीबू के रिमोट नियंत्रण इकाइयों में अधिकतर औरत विकिरण का प्रयोग करते हैं, किंतु कुछ में रेडियो तरंगों का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा सी सही जवाब होगा। सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, इसमें कौन सा रसायन प्रयुक्त हुआ था? जल्दी से प्रयोग कमेंट करके बताइए। जी हाँ, अभी आपके लिए कुछ स्पेशल सीरीज जा रही है। अगर आप लोगों ने साथ दिया इलेनी दुर्गेश का, तो हम आपके लिए एक और सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा जी हाँ परीक्षा वाली क्लास। जी हाँ, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर होगा सरीन गैस। क्या होगा? सरीन गैस। सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ, हमलों में सतह से सतह मार करने वाले रॉकेट द्वारा सरीन गैस का प्रयोग किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सभी सही उत्तर जो होगा वह सरीन गैस होगा। रट लीजिए, नौकरी उतनी आसान नहीं जितना लोग कहते, उतना कठिन भी नहीं है जितना हम आप समझते हैं। देखिए, पृथ्वी पर अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, इस तेज गति को अनुभव क्यों नहीं कर पाते? जवाब जरूर दीजिएगा सभी साथी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। जी हाँ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी केंद्र की ओर खींचता है, इसलिए इस प्रश्न का ठीक इसका मतलब प्रश्न का उत्तर डी होगा। हम पृथ्वी की तेज गति का अनुभव इसलिए नहीं कर पाते कारण क्योंकि गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी का राइट आंसर होगा। डी का सही जवाब होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? जल्दी से कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, जल्दी जल्दी बताइए, जवाब दिया करिए। ये मानिए आप परीक्षा हाल में बैठे हैं, ये इलर्निंग विद दुर्गेश की लाइव क्लास नहीं है, ये निशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में आपके लिए है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 11 बहुत ही आसान है। सिल्वर आयोडाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबका सही हुआ सिल्वर आयोडाइड।
एकदम सही है। सिल्वर आयोडाइड की अगर हम बात करें तो यहां पे इसे हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, क्लाउड क्लाउड सीडिंग। ये मौसम बदलाव लाने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों की इच्छा अनुसार वर्षा कराई जा सकती है। आमतौर पर क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे तत्व प्रयोग किया जाते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा शुष्क बर्फ का भी प्रयोग किया जाता है। परीक्षा के आधार पर आपको उत्तर देना है कि जो आपका परीक्षा है वो उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके आधार पर हमें और आपको प्रश्नों का जवाब, प्रश्नों का उत्तर देना होगा। जी हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, अब वीडियो शेयर करना ना करना वह आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूं। यकीन मानिए इस प्रश्न से बाहर आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। चालुक्यों को, चोलों को, पल्लों को, राष्ट्रकूटों को किसे दिया जाता है? आप तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ये जो जवाब नहीं देंगे तो कैसे होगा, बताइए। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, आप नहीं देंगे तो कौन देगा? चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 का जवाब होगा राष्ट्रकूटों ने। सही जवाब है राष्ट्रकूट, बहुत सारे लोगों ने दिया है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, राष्ट्रकूटों ने, कैसे? आइए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है? ये एलिफेंटा द्वीप जो है ये बंबई के पास है। प्रसिद्ध गुफा राजपूत शासक ने इसका निर्माण 5वीं से 8वीं सदी के बीच माना जाता है। ये बौद्ध सौ धर्म से संबंधित गुफा है। यहाँ पर त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा मिली है। जी हाँ, त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा मिली है, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 13, दिल्ली किस सुल्तान के विषय में कहा गया है रक्त और लौह की नीति अपनाई? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। यह है फर्स्ट पेपर के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है, ये सभी को पढ़ना है। SST वाले तो इसका उत्तर जानते होंगे, ये हमने भी पढ़ाया है, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? रट लीजिए, 9:30 बजे क्लास कभी मत छोड़िएगा। कुछ भी हो जाए, खाना छूट जाए, यार मेरी तबीयत भी खराब रहेगी, तब भी मैं पढ़ाऊंगा यह क्लास, तब तक जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। 13 का जवाब सही दिया है ग्यासुद्दीन बलबन। रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, या विद्रोहियों की हत्या कर उसकी स्त्री बच्चों को दास बना लेता था। जी हाँ, और साथ ही साथ बलबन के राजत्व के सिद्धांत की स्थापना भी की थी। उसके सिद्धांत में ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, वह सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव मानता था। उसने सिजदा और पबोश प्रथा की शुरुआत की थी। जी हाँ, चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, यहाँ पे मिलाना है, ये पुस्तक है, अगर आप मिला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो भैया हम आपके लिए हैं, तब तक जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो ये ऑनलाइन क्लास से नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर क्रैश कोर्स की नोट्स और क्लास की जानकारी ले सकते हैं। ये जौनपुर जनपद की सिराजे हिंद से मेरी क्लास आपको देश हित में, राष्ट्रहित में पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर हम यहाँ बात करें तारीख हिंद की, तो अल बरूनी की रचना है। तारीख दिल्ली अमीर खुसरो रहला इबन बबूता, मोस्ट इंपॉर्टेंट नबाकते नासरी मिनहाज, ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। हाँ, घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। कोई दिक्कत किसी को हो तो पूछ सकता है, बताइए। चलिए आगे चलते हैं, अगला है आपके सामने। कृषकों की सहायता हेतु मध्ययुगीन शासक पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किसने की? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किसने की। सभी साथी जवाब जरूर देंगे, जवाब जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। सभी लोग चाहे इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं,
जल्दी कमेंट कर बताइए। जल्दी कमेंट कर बताइए। चलिए अगर आप नहीं बताते हैं तो भैया देखिए मेरा उद्देश्य है आपको स्पष्ट रूप से बताना। जल्दी जवाब दीजिएगा। देखिए यहां पर प्रश्न नंबर 15 का जवाब क्या होगा, आप लोग जवाब दीजिए सभी लोग, अगर नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगा ही ना। देखिए प्रश्न नंबर 15 में शेरशाह सूरी कौन था, शेरशाह सूरी, इसने किसानों की मदद के लिए पट्टा कबूलित व्यवस्था की। किसानों को सरकार की ओर से पट्टा दिया जाता था जिसमें स्पष्ट रहता था कि उस वर्ष किसान को कितना लगान देना है, किसान कबूलियत के द्वारा इसे स्वीकार करते थे, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई समस्या किसी को? जवाब जरूर दीजिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइएगा। बताइए जल्दी कमेंट कीजिए, आप नहीं बताएंगे तो मेरा उद्देश्य ही बताना, मैं आपको सभी टॉपिक को स्पष्ट रूप से बताऊंगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जल्दी बताइए, चलिए इसमें 16 में अगर आप देखेंगे तो संगत कल्लू, ये संगन कल्लू एक नवपाषाणिक स्थल कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है, यहाँ राख के टीले प्राप्त हुए, यहाँ पे क्या हुए, राख के टीले प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो पीकल्या कर्नाटक से राख के टीले मिले हैं, राख के टीले नवपाषाण युग के पशुपालकों के सिरों में जले हुए अवशेष थे। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, जहां भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। यार आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, बताइए यार, इतनी तो मदद कर सकते हैं, इतनी भी नहीं कर सकते, लोगों तक पहुंचाइए, बस इतना काम करिएगा छोटा सा, यकीन मानिए आप सफलता के सबसे नजदीक पहुंचेंगे, आप साथ दो हम परिणाम देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 17 की अगर हम बात करें तो बुक जकोई ये एशिया माइनर में स्थित एक अभिलेख, ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र मित्र वरुण नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसमें सूचना मिलती है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए थे। ठीक, चलिए अगला सवाल आपके सामने है। यहां पे कह रहा है किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर किए थे, बताइए जल्दी कमेंट करके, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सभी लोग। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। चलिए हम बताते हैं, हो गया आपका। यहां पर अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको 18 का होगा तो वो होगा जयसिंह, एकदम सही आप लोगों ने बताया, जयसिंह। ये बार बार पराजय होकर औरंगजेब से परेशान हो गया, शिवाजी को दंडित करने के लिए आमेर के राजा जयसिंह को भेजा। राजा जयसिंह दिलेर खां की संयुक्त नेतृत्व में मुगल सेना 1965 में ब्रजगढ़ अप्रैल 1965 में ब्रजगढ़ किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन जयसिंह ने पुरंदर के किले को घेर डाला। किले के अंदर घिरी सेना ने लंबे समय तक मुगल सेना का सामना किया, अंततः जीत की संभावना से निराश शिवाजी ने 22 जून 1665 को राजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि की, इसलिए प्रश्न का उत्तर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, प्रबुद्ध भी निरंकुश भी कहा जाता है, जल्दी कमेंट करिएगा यार, वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर।
जल्दी कमेंट कर जवाब दीजिएगा सभी साथी। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 का जवाब होगा अकबर, क्या होगा अकबर होगा। अकबर की अगर हम बात करें अगर 19 में, तो मुगल सम्राट अकबर एक महान धर्मनिरपेक्ष शासक था। कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी किनारे तक, पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक उसका शासन था। संपूर्ण सत्ता उसमें निहित थी। वह प्रशा के फ्रेडरिक महान तथा इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी जवाब दीजिएगा सभी लोग। ये आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस की सीरीज है, जैसे सिलेबस में पूछा जाता है वैसे ही सीरीज आपके लिए है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी। प्रश्न नंबर 20, चलिए हम बताते हैं। विम कडफिसस, ये सोने के सिक्के प्रचलन सिंध हिंद यमन शासकों में प्रचलित कराया था। कुषाण शासक विम कडफिसस ने भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए। इसके अतिरिक्त तांबे का सिक्का भी चलाया। कडफिसस ने सिक्के एक और यूनानी तथा दूसरी ओर खरुष्टी लिपि में शिव नंदी त्रिशूल की आकृति जो थी वह खुदी हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने किया था? बधाई जल्दी दी कमेंट करके, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए यहां पर हुमायूं होगा, क्या होगा हुमायूं, कैसे भारत में मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं ने डाली थी। उसे फारस अफगानिस्तान से जीवन बिताया और फिर आगे चलकर मीर सैयद अली और अब्दुल समद से हुई। फिर ये दोनों चित्रकार 55-56 में हुमायूं के साथ दिल्ली आए। मुगल चित्रकला में बनी सबसे महत्वपूर्ण कृति दास्तान अमीर हमजा अथवा हमजनामा भी। हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल अस्त्र तथा अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। बाद में फिर जहांगीर ने इसे आगे बढ़ाया। दिल्ली का कौन सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया, जवाब जरूर दीजिएगा। कौन लेकर आया था बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जवाब जरूर दीजिए सभी लोग। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? 22 का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने निर्धनों की सहायता के लिए दीवान खैरात विभाग की स्थापना की। इसने फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फतेहाबाद आदि नगरों की स्थापना की। इसके शासनकाल में मेरठ और टोपरा में अशोक स्तंभ को दिल्ली लाकर स्थापित किया गया। मतलब इस प्रश्न का जिक्र सही विकल्प देखा जाए तो ए है। ए क्या होगा, इसका सही जवाब होगा, मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं है ना? कोई दिक्कत? यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब के सामने प्रश्न सीरीज पड़ी हुई है, सही कालानुक्रम कौन सा होगा, जवाब जरूर दीजिएगा जो भी साथी इसी वीडियो को देख रहे हैं। जल्दी जल्दी, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सभी कहाँ हैं? रेस के घोड़े हैं। और कहाँ अच्छे लगते हैं? रेस में, हमेशा। समझ में आया? बताइए प्रश्न नंबर 23 का जवाब दीजिए आप लोग। चलिए ध्यान से देखते हैं प्रश्न नंबर 23 को हम लोग। साइमन कमीशन कब आया था? अगर देखा जाए पहले तो किप्स मिशन है। किप्स मिशन आया था मार्च 1942 में। गांधी इरविन समझौता मार्च 1931। साइमन कमीशन नवंबर 1927। देश का विभाजन
1947। अब आपको कारण क्रम को सेट करना है और बताना है, तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आप अब बताएंगे कि क्या होगा और कैसे और क्यों होगा। बताइए जल्दी से कमेंट करके। चलिए 24 प्रश्न बताइए। भारत का कौन सा वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। सोचिए कैसे कैसे स्टैंडर्ड प्रश्न आपके लिए हैं। कल से और स्टैंडर्ड प्रश्न रहेंगे। आज की सीरीज थोड़ी सी जल्दबाजी में हो गई, कल की और स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा, जवाब दीजिएगा सभी लोग। देखिए अगर यहां पर देखा जाए तो लॉर्ड मेयो या लॉर्ड कर्जन है। पहले लॉर्ड कर्जन 7 वर्ष तक। हार्डिंग की बात करें 6 वर्ष तक। डफरिन 5 वर्ष। मेयो 4 वर्ष। तो यहां पर क्या होगा, लॉर्ड कर्जन। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, लॉर्ड कर्जन। कब से कब था लॉर्ड कर्जन? 1899 से 1905। ये 1899 से 1905। हार्डिंग की बात करें तो 10 से 16 तक था, 1910 से 1916। लॉर्ड मेयो की बात करें, जनसंख्या जितने समय हुई थी पहली, लॉर्ड मेयो 1869 से 72, लगभग 4 साल। डफरिन की बात करें अगर हम, 84 से 88। तो इस प्रकार हमने देखा इस प्रश्न का सही विकल्प ए होगा। तो जितने साथी मित्रों ने, जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ वीडियो के 3 डॉट विंडो पर क्लिक कर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, पूरी तरह से आपको HD में दिखाई देगा। किसमें? HD में, ठीक। यहाँ क्लास से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है, उसके अलावा कोई प्रश्न पूछना है, इंस्टाग्राम पर जाइए, ठीक। चलिए यहाँ केवल क्लास संबंधित, क्लास के अलावा अगर कोई प्रश्न पूछना भैया, उसके लिए उसकी अलग शेड्यूल है। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया? जवाब जरूर दीजिएगा। ये ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है। गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया, कब किया गया, जवाब जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं। प्रश्न नंबर 25। यार लॉर्ड रिपन के समय, हाँ लॉर्ड रिपन कब से कब था, अभी जस्ट हमने बताया 1880 से 84 तक था। और कहने कब, 1882 में। इसने 1882 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम को समाप्त करते हुए भारतीय समाचार पत्रों को भी अंग्रेजी समाचार पत्र के बराबर स्वतंत्रता प्रदान की। और इसने प्रथम फैक्ट्री एक्ट बनाया था, प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में इसने प्रथम फैक्ट्री एक्ट भी बनाया था, जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, किसका श्रेय है, बताइए। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, जल्दबाज दीजिएगा सभी लोग, चाहे इसे फेसबुक के देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर जहां भी देख रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा यार, वीडियो को शेयर करिए, पैसे नहीं लगते। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, लॉर्ड एटली। क्या होगा, लॉर्ड एटली इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ब्रिटेन के लेबर पार्टी के लॉर्ड एटली ने शीघ्र आजाद करने के लिए 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन की घोषणा की थी, ठीक है। सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। हाँ लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, आपकी इच्छा लाइक कर दीजिएगा, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ पढ़िएगा, क्योंकि आपके हर एक काम का, आपके व्यक्तित्व से आपका पता चलता है। अच्छे लोगों का सिलेक्शन कभी जिंदगी में नहीं रुकता, आप यकीन मानिए। जितने लोग आपने देखा होगा अच्छे होंगे, सब सेलेक्ट हो चुके हैं, तो अब की बारी आपकी है। निम्नलिखित में से कितने स्वर से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? प्रश्न नंबर 27 जवाब दीजिएगा। ये होगा लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव प्लासी की युद्ध 1757 में नेतृत्व करा, उसने अवध के नवाब सिराज उद्दौला से इलाहाबाद की संधि की। क्लाइव ने बंगाल के ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित करने के बाद एक सैनिक रूप में जनसत्ता था। विलियम पिट ने
रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा था? किसने कहा था? विलियम पिट ने। विलियम पिट ने कहा था, क्या कहा था? स्वर्ग से उत्पन्न सेनाना किसे? रॉबर्ट क्लाइव को कहा था। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चलाया था कहाँ पे? बारदोली, बड़ौदा, चंपारण, दांडी। जवाब जरूर दीजिएगा सभी साथी, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। बताइए, एकदम सरल है यार, चंपारण में। कहां पे? चंपारण में। ये कहां पर? चंपारण में। आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ी सी और बातें। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है, महात्मा गांधी पहला चंपारण में कौन सा तीन कठिया प्रथा, लिखना चाहिए लिख लीजिएगा, तीन कठिया प्रथा के से उसके कृषि से 3/20 भूभाग का जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। इस अनुबंधन से किसानों को मुक्त होने के लिए भारी मात्रा में कर देना होता था, अतः गांधी जी ने सत्याग्रह के द्वारा इस प्रथा को समाप्त करवाया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी राइट आंसर होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उन लोगों का जवाब पूरी तरह से सही है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं। यार एक सिलेक्शन वाले प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने, मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कैसे? बंगाल के क्रांतिकारी देशभक्त जतेंद्र मुखर्जी युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया। जतेंद्र नाथ को बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है। युगांतर पार्टी गदर पार्टी अनुशीलन समिति ने सभी भारतीय क्रांतिकारी समिति थी। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तीन है और एक नहीं है, बस आपको यही कमेंट करके बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बस जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जवाब जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सभी क्या हैं? रेस के घोड़े हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, कोई दिक्कत? चलिए चलते हैं हम लोग, फिर आगे पढ़ते हैं। यहां पे एक बात ध्यान देना होगा आपको, प्रश्न नंबर 30 में पॉवर्टी एंड अनबिटी स्पिरिट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इंडियन विंग्स फ्रीडम अब्दुल कलाम की है, दुर्गेश नंदिनी वकीम चंद चटर्जी का है, अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए किसका होगा? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की थी, किसकी थी? लाला लाजपत राय की थी। चलिए इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तीसरे का जवाब क्या होगा, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को? देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस के लाला लाजपत राय 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बने थे। कब? 1920 में लाला लाजपत राय जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा केसरी का संपादन किया था। दुर्गेश नंदिनी आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ठीक है, आनंद मठ के लेखक यही थे, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा आप लोग कि दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, आपके लिए महत्वपूर्ण है, या मुझे लगता है आप लोग पहले से जानते होंगे। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े और आप लोग को जवाब जरूर देना होगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं।
बताइए जल्दी कमेंट करके सभी साथी। देखिए प्रश्न नंबर 31 में भारतीय राज्य कांग्रेस की कराची अधिवेशन कब हुआ था? 29 मार्च 1931 में। 29 मार्च 1931। राजगुरु की फांसी हमने पढ़ाया था 23 मार्च 1931। सुखदेव राजगुरु और कौन था जवाब दीजिए यार, आप लोग जवाब नहीं देते, ये थोड़ा सा बुरा लगता है हमें। गांधी रिल समझौता, ये मैंने कई बार पढ़ा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च 1931। अब आपको क्रम से बताना है, क्रम मैं नहीं बताने वाला। अगर आप ये सोच रहे हैं क्रम मैं बताऊंगा तो बस भूल जाइए, अब आपको भी कुछ बताना होगा कि सारा हम ही ठीका लिए हैं, सिलेक्शन आपको लेना है, नौकरी आपको करनी है, तो फिर इस बार जवाब भी आपको देना है। हाँ, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ में आया आप लोग को? किसी कोई दिक्कत कोई समस्या? देखिए अब इसका उत्तर बताइए आप लोग, हम नहीं बताने वाले। अगर आप लोग बार बार सोच रहे हैं कि हम बताएंगे, हम नहीं बताएंगे यार, इतना बढ़िया हमने स्पष्ट कर दिया। अगर इससे बेहतर अगर कोई बताए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 31 में ए होगा, 3 2 1। अगला, यह कथन 31, हम भारत को या तो आजाद कराएं या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है? बताइए जल्दी से कमेंट करके सभी साथी, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं। प्रश्न नंबर 32, ये होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 7 अगस्त 1942 को, 7 अगस्त 1942 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। गांधी जी ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस कार्य समिति को थोड़े संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को पास हुआ। कब पास हुआ? 8 अगस्त 1942 को थोड़े संशोधन के बाद यहाँ से पास हो जाता है। गांधी जी ने कहा, मैं आपको मंत्र देता हूँ। कौन सा मंत्र? करो या मरो। करो या मरो का छोटा मंत्र है। इस मंत्र का आशय था, हम भारत को आज़ादी कराएंगे अथवा कोशिश में अपनी जान तक दे देंगे। गांधी जी के बारे में पटाभी सीतारामैया ने कहा, वास्तव में गांधी उस दिन अवतार या पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं है ना? बताए जल्दी से, आप लोग तो सवाल का जवाब ही नहीं देते, यही आप लोग में थोड़ी सी गलती है, बाकी सब कुछ सही है, बाकी आप लोग में सब कुछ सही है। अगला प्रश्न नंबर 33, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने कहां सुनाया था? जवाब जरूर दीजिएगा। हाँ भैया, जिसको सिलेक्शन के लिए पढ़ना वही पढ़े, बाकी के लिए नहीं, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सभी तो रेस के घोड़े हैं। ठीक है, क्या होगा बताइए? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में कैसे? 1857 क्रांति की परिणाम महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने इलाहाबाद में एक दरबार हुआ जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया। घोषणा के अनुसार भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। इसमें विलय नीति का प्रत्याग, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार पर रोक आदि भी शामिल था। ठीक है यार, वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे, यकीन मानिए जब आप लोग सेलेक्ट होंगे ना तो आप उनके माँ बाप कितने आपको दुआएं देंगे। यार मेरा गला फिर बैठने वाला है, वीडियो को सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। देखिए निम्नलिखित में 1 एकड़ कपास उत्पादन ज्यादा कहां पर है? यहां पर होगा चीन। मुझे लग रहा है कि आपको इस बारे में प्रश्नों को जानना चाहिए।
निम्नलिखित देशों में कौन सा एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? कौन एकमात्र है जो चुकंदर से चीनी तैयार करता है? जल्दी जवाब दीजिएगा। 35, यूक्रेन एकमात्र देश है जो चुकंदर से चीनी की तैयारी की जाती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। किसी आम की किस्म दशहरी नीलम के क्रॉस विकसित की गई है तो क्या होगा? आम्रपाली होगा। क्या होगा? आम्रपाली। ठीक है, क्या होगा? आम्रपाली होगा। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करें तो कोई बात नहीं, ये जौनपुर जनपद के सिराजन से आपके लिए लाइव है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्नों का जवाब आप सभी लाइव दीजिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, रूस से अलग हुआ था यूक्रेन, अभी विवाद खत्म नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर होगा 1960 में, कब हुआ था? 1960 में। यहाँ वर्तमान में इसका गोविंद वल्लभ पंत किसी औद्योगिक विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इसका नाम बदल चुका है। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न करने के लिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। मटर की पत्ती विहीन जाती है, मटर की पत्ती विहीन जाती है, 38 नंबर अपायड़ा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जवाब जरूर दीजिएगा। जल्दी जवाब दीजिएगा। 39 का क्या होगा? ये होगा बरेली में। जी हाँ, भारतीय चिकित्सा स्थान बरेली के इज्जत नगर में, कहां पर? इज्जत नगर में है। कहां पे? बरेली के इज्जत नगर में है। बरानी द्वीप किस, बरानी द्वीप किस फसल का किस्म है? धान की। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। 42, बाहर एक किसका है किस्म? अरहर की, मटर का। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहां पर है? करनाल, मोस्ट इंपोर्टेंट, करनाल में। ठीक है, यहां पे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इसे प्राप्त है, करनाल हरियाणा में है। ठीक है, यहाँ पे मिलान करना है। देखिए यहाँ पर CMSRI ये कहाँ पर है? ये आपका मनीला में है। CSSRI ये कहाँ पर है? ये करनाल हरियाणा में है। इसका फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहें तो ये है CSSRI, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में है। अगर इसकी स्थापना देखा जाए अनुसंधान की, तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान 1969 में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान। फिर अगला है CTRI, इसका होगा सेंट्रल ट्यूबुलर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान 1963 में, त्रिवेंद्रम केरल में 1963 में। IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, जो 1960 में मनीला में, 1960 मनीला में। फिर CAZII जोधपुर में होगा, ये होगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान 1959। ठीक, इसका ये हो गया। अगला, बंदी बनाए गए व्यक्ति, संविधानिक क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 45। देखिए 15 क्या होता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद प्रतिषेध है।
17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछी जिसे कहते हैं, 21 प्राण एवं दही स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 22। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की प्रतिरक्षा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 22 में दिया गया है। ठीक, चलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। राष्ट्रपति के रिक्त पदों को भरना होता है कितने दिनों के अंदर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने की दशा में, त्याग पत्र देने की दशा में, महाभियोग की प्रक्रिया के बाद उसके पद को 6 माह के अंदर भरना अनिवार्य होता है। उस ठीक है, 6 माह मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। प्रश्न नंबर 47, नागरिकता का प्रावधान कौन कर सकता है। यार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। रात के 11 बजे से आपकी स्पेशल क्लास कल से शुरू होने वाली है, परीक्षा वाली क्लास। ठीक है, वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 360 कर लीजिए। 47 का जवाब क्या होगा, जवाब दीजिएगा। यहाँ पे होगा संसद। संसद अभी देखा होगा आप लोगों ने, पूरे भारत में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर कुछ साल भर पहले 1.5 साल पहले घटना है, आपने देखा होगा, 2 साल हो गया लगभग। तो पूरे भारत में चक्का जाम हुआ था, लोगों ने प्रदर्शन किया था कि इसको, इसी को लेकर। तो ये अनुच्छेद 11 में दिया गया, कहाँ पे, अनुच्छेद 11 में। ठीक है, नागरिकता अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए संसद सक्षम है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, इसे संविधान का आत्मा हृदय भी कहते हैं, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मौलिक कर्तव्य, पहली बात ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कब, इंपॉर्टेंट, जी हाँ, इसे रूस के संविधान से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटी, पहले से संख्या 10 थी, संख्या 1 हो गई। ये भाग 4 कौ में है, भाग 4 कौ में है। इसका अगर अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद 51 क है। संघ की बात की जाए, तो अगर संघ है तो भाग 5 में, इसमें भारत का संविधान पालिका का वर्णन किया गया है। ठीक, आपात उपबंध भारत के संविधान के किसमें है, 18 में है। ये 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो अनुच्छेद 356, 360। वित्तीय आपात जो अभी भारत में कभी नहीं लगा है। ठीक है, चलिए अभी तो आपकी और क्लासें लगने वाली है 2-4 दिन के बाद। चलिए अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए कुछ आपके लिए आ रही है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। सभी साथी टेलीग्राम ज्वाइन कर, इस समय लगातार क्विज क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। ऑनलाइन क्लास है, नोट के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं, जहां पे क्रैश कोर्स आपके लिए उपलब्ध होगा। अन्य टीचरों के माध्यम से मेरी क्लास पूरी तरह निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में होता है। अपने यहाँ 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय जोड़ दीजिएगा और मिशन प्रेरणा को सफल बनाइएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइएगा सभी साथी। प्रश्न नंबर 49, इसका होगा 42वें संविधान संशोधन 1976। इसे 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो उद्देश्य का आत्मा कहा गया था, आगे चलकर हम देखेंगे भारतीय संविधान कौन सा, तो इसको आप लोग जानते रहिएगा। इसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, फिर समाजवादी जोड़ा गया था, अखंडता, ये शब्द इसमें जोड़े गए थे, इंपॉर्टेंट है रख लीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आत्मा कहलाता है। यहाँ पे 3 बात है, मैं तीनों बातों को स्पष्ट कर दूंगा। अगर आत्मा की बात अगर अंबेडकर कहता, तब इसका उत्तर होता अनुच्छेद 32। ठीक, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, अगर ये विकल्प नहीं होता तब इसका उत्तर ए होता, अगर ये विकल्प ना होता तब इसका उत्तर मूल अधिकार होता। के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपुत्री भी कहा था। ठीक है, आप लोग सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा। ये क्लास आपको प्रतिदिन रात 9:30 बजे
ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव मिलती है। इसके अलावा पूरा दिन आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर क्लास मिलती है, जहाँ पे भाषा की क्लास आपको उपलब्ध है, भाषा में हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, SST, अंग्रेज और साथ ही साइंस और गणित, सभी क्लासेज आपको हैं। अगर आप जुड़ना चाहें तो आपका मोस्ट वेलकम है। बाकी आपकी इच्छा, फर्स्ट पेपर ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मेरे द्वारा चल रहा है, उसे मिस मत करिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, किसी भी प्रश्न के जवाब के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे दुर्गेश सर पे मैसेज कर सकते हैं, या इसकी योग्यता अयोग्यता के बारे में हमने वीडियो बनाकर डाला है, आप उसे जरूर देख सकते हैं। टेलीग्राम पर आपके लिए एक स्पेशल क्विज बैच शुरू की गई है, जहां पे आपके लिए दिन भर प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलती है। आप वहां पे जुड़े रहिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, टेलीग्राम पर आपके क्वेश्चन बैंक की सीरीज शुरू हो रही है, जहां पे पूरा दिन आपकी ऑनलाइन टेस्ट होती है, ताकि आप अपने विषयवार अपने आप को जांच सके। और यह क्लास आप लोगों को ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव मिलती है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्योंकि लाइव क्लास आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में देख रहे हैं। लाइक का बटन दबाने के बाद शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है, सभी लोग, चाहे जहां भी देख रहे हैं इस वीडियो को, जवाब जरूर दीजिएगा। आप सभी सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। कोई समस्या, किसी को कोई डाउट है तो बताएं। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक, क्योंकि स्पेशल क्विज की शुरू है, वहां पे जल्दी क्विज शुरू होने वाली है। सभी कमेंट देख रहे हैं भैया, अगर भर्ती संबंधित कोई सवाल हो, करंट अफेयर क्लास मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए कल आपकी दोनों करंट क्लास हो जाएगी। ठीक है, मेरी तबीयत सही नहीं थी, नहीं मिल पाई थी। ठीक, ये सुपर टेट प्राइमरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, SST के लिए लेने भी दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। करंट के लिए एक दो दिन में आपकी क्लास एक्स्ट्रा में शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बाय बाय। यहाँ पे क्लासेज संबंधित जानकारी ले सकते हैं।